ये चित्र एक समर्पण है उन शब्दों को जिसने भारतीय जनमानस को कोई अजीम किरदार दिए। वो किरदार एक आम आदमी हो या कोई महिला चरित्र, सबको गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर के शब्दों ने विश्व स्तर पर उभारा, जो आज भी याद किए जाते हैं। उनके 138वें जन्मदिन को कुछ पुराने और समकालीन चित्रकारों ने ऐसे ही मनाया। आर्ट जंक्शन द्वारा लगाई गई इस प्रदर्शनी में सारे कैनवास में ही कृतियों को ढूंढते नजर आते हैं। पूरा देश इस तरह को याद कर रहा है जो उनका योगदान है, मतलब के क्योंकि हम चित्रकार हैं, इसलिए चित्रकला के माध्यम के लिए कहेंगे कि उनका बहुत बड़ा योगदान है। अन्यथा हम जानते हैं कि कविता में और संगीत में और नाटक में किसी क्षेत्र को उन्होंने छोड़ा नहीं था कभी। यहाँ पे चित्रकला भी है और म्यूजिक भी है, पोइट्री भी है, तो एक साथ उनको सम्मान दिया जा रहा है। मैंने जैसे गुरुदेव ने नारी को डिस्क्रिप्शन जैसे उन्होंने अपने सारे पोइट्री में और किताबों में लिखा है, तो उसी कैरेक्टर को लेके मैंने एक स्कल्पचर बनाया है। I've contributed three of my paintings here. चित्रों के साथ इसमें हिस्सा लिया। Figures, you know, मैंने औरत को उसी तरह से उभारने की कोशिश की है जैसे वो अपने पूरे वजूद के साथ अभी निकल पड़ेगी। They come out, you know, with the expressions and all. ये एक जमावड़ा है 50 से अधिक कलाकारों का। ऐसे कलाकार जो अपने समय को कैनवास के सहारे ढोते हैं, अपने तुलिका के सहारे जीते हैं। ये प्रदर्शनी श्रद्धांजलि तो है ही, जीविका का एक जरिया भी है।